डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर सन 1909 में भारत में मुंबई शहर में हुआ था। इनकी मृत्यु 24 जनवरी 1966 में मोंट ब्लांक फ्रांस में हुई थी। ये परमाणु वैज्ञानिक थे। इनकी शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुई थी। जब यह छोटे थे तो चांद तारों और अंतरिक्ष के संबंध में बहुत जिज्ञासा रखते थे। जब वे रात को सोते थे तो कई घंटों तक उन्हें नींद नहीं आती थी। इसकी वजह कोई बीमारी नहीं थी बल्कि उनके दिमाग में चलने वाले विचारों की तीव्रता थी। मुंबई से पढ़ाई पूरी करने के बाद भाभा वर्ष 1927 में इंग्लैंड के कैस कॉलेज कैम्ब्रिज इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने गए थे। वहाँ 1930 में उन्होंने स्नातक उपाधि अर्जित करी और सन 1934 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। जर्मनी में उन्होंने कास्मिक किरणों पर अध्ययन और प्रयोग किए थे। इंजीनियरिंग करना उनका खुद का निर्णय नहीं था बल्कि उनके परिवार की ख्वाहिश थी और उन्होंने उस ख्वाहिश को पूरा भी किया। उनका प्रिय विषय फिजिक्स था। न्यूक्लियर फिजिक्स से उनका लगाव एक जुनूनी स्तर का था। ये बात उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखकर बताई थी और उन्होंने बताया था अपने पिता से कि फिजिक्स ही उनका अंतिम लक्ष्य है। जब देश आज़ाद हुआ तो होमी जहांगीर भाभा ने दुनिया भर में काम कर रहे भारतीय वैज्ञानिकों से अपील की कि वे भारत लौट आए और बहुत से वैज्ञानिकों ने उनकी इस अपील को माना भी। इनमें से एक थे मैनचेस्टर की इंपीरियल केमिकल कंपनी में काम करने वाले होमी नौशेर बांजी सेठना। भाभा को सेठना में कई संभावनाएं दिखीं। ये दोनों वैज्ञानिक भारत की परमाणु शक्ति संपन्न बनाने के लिए अपने कार्यक्रम में जुट गए। वैसे तो यह कार्यक्रम मुख्य रूप से डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की देन है, लेकिन ये सेठना ही थे जो भाभा के निधन के बावजूद भी इस कार्यक्रम को रुकने नहीं दिए। सन 1974 में सेठना ने उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बताया कि उन्होंने शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट की तैयारियां शुरू कर ली है। उन्होंने यह भी उन्हें बताया और कि ये तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और उनसे पूछा कि वे इस सिस्टम को शुरू कर सकते हैं। इसके आगे की कहानी अगर आप लोगों को सुननी है तो कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि इसके बाद क्या हुआ, ये परमाणु सिस्टम जो इन्होंने तैयार किया था ये किस प्रकार शुरू करा गया। ये हमें कमेंट बॉक्स में अगर आप आगे सुनना चाहते हैं तो हमें बताएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी ये भी हमें बताएं और हम कैसे बेहतर कर सकते हैं इसके बारे में हमें बताएं। तो ये थे हमारे होमी जहांगीर भाभा। हमारा देश उनका सदैव ऋणी।